बाराबंकी में रियल स्टेट कारोबारी हबीबुल्ला के घर पे आयकर विभाग ने छापा मारा। आयकर विभाग की टीम ने 13 घंटे तक हबीबुल्ला से पूछताछ भी की। मामले में फिलहाल आयकर विभाग की टीम ने कारोबारी हबीबुल्ला को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग के को कोई अहम दस्तावेज भी कारोबारी के घर से मिले हैं। आपको बता दें कि हबीबुल्ला बड़ा मसाला कारोबारी है और हाल में ही उसने रियल एस्टेट का काम चालू किया है। इस कार्रवाई को गैलेंट ग्रुप से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले गैलेंट समूह पर आयकर विभाग ने छापेमारी की थी, बाद में हबीबुल्ला के यहाँ छापेमारी हुई है। आयकर विभाग ने जिले के जेसीबी और हुंडई शोरूम में भी छापेमारी की है। तो ये बड़ा शिकंजा कसा हुआ दिख रहा है कारोबारी पर। कई अहम दस्तावेज मिले हैं और जेसीबी और हुंडई शोरूम में भी छापेमारी की गई है। कुशीनगर में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 19 मोटरसाइकिल, 2 अवैध तमंचा और 4 फोन बरामद हुए हैं। चोरों से बरामद संपत्ति की कीमत करीब 16 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों पर कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है पुलिस। आरोपियों की गिरफ्तारी खड्डा थाना क्षेत्र के बंजारी पट्टी से की गई है। जनपद कुशीनगर के अंतर्गत थाना खड्डा कोतवाली स्वाट सर्विलांस और साइबर की टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए अंतर जनपदीय चोरों के गैंग का खुलासा किया है। इसमें 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम है शमशेर, कमलेश, मनोज और कयामुद्दीन अंसारी। इनके पास से विभिन्न जगहों से चोरी की गई 19 मोटरसाइकिल बरामद की गई है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 16 लाख रुपये से अधिक है। इनका एक विस्तृत आपराधिक इतिहास है। साथ ही साथ इनके पास से अवैध तमंचा, कारतूस और मोबाइल फोन और वाहन चोरी से जो विक्रय हुआ है उससे 10,000 रुपए नगद भी बरामद किया गया है। तो चलिए, नोएडा के सेक्टर 29 में जिला अस्पताल में बड़ा हादसा होने से बाल बाल टला है। गुरुवार सुबह डायलिसिस वार्ड की छत की 4 सीलिंग गिर गई और उसके बाद गनीमत ये रही कि उस वक्त कोई मरीज वहां नहीं मौजूद था। जब सुबह स्वास्थ्य कर्मी पहुंचे तब उन्हें जानकारी हुई। बताया जा रहा है कि पहले भी इस अस्पताल में दूसरे और तीसरे फ्लोर को 4 सीलिंग गिर चुकी है, जबकि यहां हर एक वार्ड में करीब 10 से 12 मरीज हमेशा रहते हैं। खैर, अस्पताल भी ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन इस तरह की घटना कई सवाल खड़े कर देती है। मामले में CMS डॉक्टर रेणु ने बताया कि मरम्मत के लिए नोएडा प्राधिकरण को पत्र लिखकर मरम्मत की मांग की गई थी। तो खराब कंस्ट्रक्शन की मटेरियल्स के वजह से ये हादसा टला है। फॉल सीलिंग नीचे गिर गई, बाल बाल टला ये बड़ा हादसा। अस्पताल की फॉल सीलिंग नीचे गिर जाती है, मरम्मत के लिए पहले ही मांग की गई थी अस्पताल की तरफ से, लेकिन इस पर कोई भी जवाब फिलहाल प्राधिकरण की तरफ से नहीं आया था। कई जगह हमारे दूसरे फ्लोर पे, छठे फ्लोर पे और 7वें फ्लोर पे जो फॉल्स रूफिंग है वो अपनी जगह से हट गई, डिसलॉज हो गई है। गिरी कहीं भी नहीं है, किसी को कोई हानि नहीं हुई, चोट नहीं पहुंची किसी पेशेंट के ऊपर, किसी के ऊपर नहीं गिरी है। उसको हमने सेफ्टी पर्पज़ से जो अपनी जगह से हट रही थी उतरवा के रखवा लिया है और प्राधिकरण को लेटर भी लिख दिया है। हमने जिलाधिकारी को भी इन्फॉर्म कर दिया है, शासन को भी इन्फॉर्म कर दिया है और बनवाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ में शिक्षा भवन के दफ्तर में आग लग गई, कर्मचारियों ने बाहर जाकर बचाई अपनी जान। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फायर सेफ्टी इक्विपमेंट भी नहीं कर रहे थे काम और मौके पर पहुंची दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की नहीं है कोई खबर। थाना वजीरगंज के शिक्षा भवन का यह मामला है। तो लखनऊ से सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि शिक्षा भवन में आग लग गई, कोई हताहत नहीं हुई है, लेकिन वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर या फिर तमाम इक्विपमेंट्स जो वहां पर थे वो काम नहीं कर रहे थे। बाद में दमकल विभाग के लोगों को वहां बुलाना पड़ा और उन्होंने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फिलहाल कोई हताहत की खबर नहीं है। शिक्षा भवन में ये आग लगी थी जहां पर
कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा था। लगातार हो रही बारिश से कोटद्वार में नदी नाले उफान पर हैं, जगह जगह जलभराव के साथ लोगों को भारी परेशानी हो रही है। सबसे ज्यादा आम पड़ाव और शिवपुर, मानपुर, जैनपुर और कोड़िया क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। प्रशासन भी लोगों से बार बार सावधान रहने की अपील कर रही है और ऐसी स्थिति होने के चलते लोगों में दहशत का माहौल तो देखने को मिल ही रहा है। कोई अनहोनी ना हो जाए जिसको लेकर लोगों की रातों की नींद उड़ी है। लोग डर के चलते सो भी नहीं पा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितने बुरे तरीके से नदी नाले उफान पर हैं, लोगों में दहशत का माहौल है। जिस तरीके से बारिश हो रही है, बार बार बारिश हो रही है, नदी नाले बहुत ज़्यादा भर जा रहे हैं, पानी पूरा घरों की साइड आ रहा है, घरों के अंदर घुस जा रहा है, तो सामान का भी बहुत नुकसान भी होता है और उसके कारण घर में भी सीलन, उसके जो घर के नीचे की नमी है वो बनती है और सामान भी बहुत ख़राब हो रहा है और इस वजह से बहुत परेशानी हो रही है। क्योंकि कानपुर देहात में जोरदार बारिश का कहर देखने को मिला है। कच्चे मकान गिरने से दो लोगों की मौत हो गई, आकाशीय बिजली गिरने से एक की मौत हुई, दो लोग झुलसे हैं। भोगिनीपुर थाना क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर हादसा हुआ है। मृतकों के परिजनों के को मिलेगा 5-5 लाख रुपए मुआवजा। प्रशासन ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। तो कानपुर देहात में जोरदार बारिश होती है और बारिश का कहर हर जगह देखने को मिलता है। आकाशीय बिजली गिरती है जिसकी वजह से लोगों की मौत हो जाती है और ऐसा कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि जिन भी मृतकों के जो परिवार हैं उनको 5-5 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा और ऐसे में प्रशासन की तरफ से लोगों को सतर्क रहने की भी अपील की जा रही है। आकाशीय बिजली गिरने से मातम पसरा हुआ है, कई लोगों की मौत हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, गांव वाले रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं और प्रशासन की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। भोगनीपुर थाना क्षेत्र का के में अलग अलग जगहों पर आकाशीय बिजली गिरी है, बारिश का कहर देखने को मिला और उसकी वजह से कई जाने गई हैं और अब प्रशासन मुआवजा देने की बात कह रही है और साथ ही साथ लोगों से सेफ रहने की भी अपील कर रही है। खबर गोंडा से है जहां पर जिला प्रशासन अवैध कब्जेदारों पर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई करने में जुटा हुआ है, जिससे अवैध कब्जेदारों और भू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। कर्नलगंज तहसील क्षेत्र में तालाब की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किए गए 11 मकानों पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई है। साथ ही अन्य कब्जेदारों पर प्रशासन ने 3,48,000 का जुर्माना लगाया है, साथ ही FIR भी दर्ज कर दी गई है। तो लगातार पीले पंजे का कहर देखने को मिल रहा है, भू माफिया पर पीले पंजे का प्रहार हो रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई से भू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। मग्न होने की स्थिति गोंडा इससे प्रभावित रहा भी है और शहर में तो ड्रेनेज की दिक्कत है क्योंकि ड्रेन्स यहाँ पर बने नहीं हैं, बहुत पुराने बने हैं, डिसकंटिन्यूड हैं और कई जगहों पर ड्रेनेज की व्यवस्था उत्तम नहीं है। इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम लोगों को कई जगहों पर दिख रहा है कि एक तो जो सार्वजनिक नालियाँ हैं उनको अवैध रूप से कहीं पर कब्जे हैं, तालाबों में भी कब्जे हैं। तो ये एक समय था, खास तौर पे इससे पहले 2 महीने पहले समय में मानती कि उस समय पर हम लोग उसको करवा सकते तो और बेहतर होता, बिकॉज़ अब पानी भरने लगा है तो इस समय पे इनको खुदवाना, तालाबों की खुदाई होना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी जहाँ पे अवरुद्ध हैं नालियाँ, जहाँ पर ऐसे समस्याएं हैं कि जल निकासी के मार्ग अवरुद्ध हैं, उन जगहों पर हम लोगों ने त्वरित निदान के प्रयास किए हैं और अवैध कब्ज़ों पर पूरी सख्ती से निर्देशित किया हुआ है कि इन कब्ज़ों को हटवा कर जो जल निकासी है उनकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। तो बागपत में तेंदुए और शावक को देखने से लोगों में हड़कंप मच गया। मंदिर में श्रद्धालुओं को देख दीवार फांदकर भाग गया शावक और तेंदुआ, और शावक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
बमनौली गांव के जंगल में दिखा तेंदुआ। तेंदुआ दिखने से दहशत में है ग्रामीण, वन विभाग को दी सूचना। तो तेंदुआ दिखने से लोगों में हड़कंप मच गया। मंदिर के पास ये तेंदुआ दिखा जो दीवार फांग कर लोगों को देखने के बाद भाग गया। मंदिर में श्रद्धालुओं ने तेंदुए को देखा जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया और उसके बाद उन श्रद्धालुओं को देखकर दीवार फांग कर भाग गया तेंदुए का शावक। हल्द्वानी के चोर गलिया में ताश के पत्तों की तरह बहिकार, शोर शेर नाला में उफान में आने के चलते बहिकार, कार चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। पहाड़ों में तेज बारिश से शेर नाला उफान में है और जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं लोग। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जल का सैलाब है, नाले में उफान आने की वजह से कार बहती चली गई, जान जोखिम में डालकर लोग रास्ता पार कर रहे हैं जिसका खामियाजा अब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कार बहती हुई जा रही है, बड़ी मुश्किल से कार सवार लोगों को बचाया गया। बिजनौर में मूसलाधार बारिश से गंगा का बढ़ा जलस्तर, नदियों में आए तूफान से कई गांवों से टूटा संपर्क। पानी के उफान को रोकने के लिए प्रशासन ने लगाई है जेसीबी मशीनें। कई गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ा, थाना बढ़ापुर के नक्टा नदी का मामला। उधम सिंह नगर में तेज बारिश के बाद कल्याणी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर कल्याणी नदी किनारे रह रहे लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। कल्याणी नदी के किनारे करीब 700 मकान बने हुए हैं। दो साल पहले भी जब रुद्रपुर में बाढ़ आई थी तब कल्याणी नदी के उफान ने भारी तबाही मचाई थी, लेकिन अब एक बार फिर से नदी किनारे रहने वाले लोगों को किसी अनहोनी का डर सता रहा है। वहीं डीएम ने बढ़ते जलस्तर पर कहा, हमारी पूरी नजर है, हम तैयारी कर रहे हैं। तो कल्याण नदी के जलस्तर बढ़ने से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। दो साल पहले भी ऐसी आपदा आई थी जिसके बाद तबाही मची हुई थी। बुलंदशहर में रामघाट के गंगा घाट का निरीक्षण करने पहुंचे एसडीएम और डीबीआई सीईओ को वापस लौटना पड़ा है। दरअसल तेज बारिश के चलते रास्ते में जलभराव था जिसके चलते सरकारी गाड़ी पानी में फंस गई थी। अधिकारियों को लौटने का और के अलावा और कोई उपाय नहीं दिखा। वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, 6 जुलाई का वीडियो बताया जा रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर निरीक्षण के लिए निकले थे एसडीएम और डीबीआईसीओ, तो बिना निरीक्षण किए अधिकारियों को वापस लौटना पड़ा, क्योंकि जल भराव की समस्या इतनी ज्यादा थी कि आगे गाड़ी नहीं जा सकती थी, जिसकी वजह से उन्हें यू टर्न लेकर के वापस जाना पड़ा। मुरादाबाद से खबर है जहां बारिश के बाद भरभरा कर गिरी दीवार। दीवार गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। निर्माण कार्य के चलते इमाम बाड़े की दीवार गिरी और दीवार गिरने से बड़ा हादसा होने से टला है। थाना नागफनी इलाके के नई सड़क चौराहे का ये मामला है और इमाम बाड़े की ये दीवार, ये देखिए किसने भरभरा कर नीचे गिरी है, जिसके बाद एक बड़ा हादसा होने से टला है। बारिश के बाद ये दीवार ढह गई। दीवार गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बारिश के बाद भरभरा कर ये दीवार गिरी थी। मुरादाबाद की ये तस्वीरें हैं जहां पर इमामबाड़े की ये दीवार भरभरा कर नीचे गिर जाती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। सबसे पहली खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर रहे। पीएम मोदी ने यहां गोरखपुर लखनऊ रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। पीएम मोदी ने यहां करोड़ों की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया, जिसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में गीता प्रेस के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। गीता प्रेस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत हुआ। इस दौरान सीएम योगी भी पीएम मोदी के साथ मौजूद रहे।
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार के गोरखपुर दौरे पर विकास के साथ साथ विरासत से भी रूबरू हुआ। उन्होंने कहा कि शिव महापुराण का विमोचन सौभाग्य की बात है। वहां ज्ञान का बोध भी है और विज्ञान का शोध भी है, क्योंकि गीता का वाक्य है वासुदेवः सर्वम। सब कुछ वासुदेवमय है, सब कुछ वासुदेव से ही है, सब कुछ वासुदेव में ही है। भाइयों और बहनों, 1923 में गीता प्रेस के रूप में यहां जो आध्यात्मिक ज्योति प्रज्वलित हुई, आज उसका प्रकाश पूरी मानवता का मार्गदर्शन कर रहा है। हमारा सौभाग्य है कि हम सभी इस मानवीय मिशन की शताब्दी के साक्षी बन रहे हैं। मेरठ में शहर के व्यापारियों में दहशत का माहौल है, क्योंकि लगातार लूट की घटना से व्यापारियों में डर का माहौल है। हाल में ही दो बदमाशों ने ज्वेलर्स के दुकान में लूट की घटना को अंजाम दिया है। बदमाशों ने गन पॉइंट पर घटना को अंजाम दिया है। मामले में पुलिस ने संज्ञान लेते हुए पूरी घटना की जानकारी सर्राफा व्यापारी से ली और जल्द आरोपियों पर शिकंजे कसने का आश्वासन भी दिया गया। पुलिस आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर जांच में जुटी हुई है। तो पुलिस केस दर्ज कर चार्जशीट तैयार कर चुकी है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कर रही है जांच और सर्राफा व्यापारियों से पुलिस ने पूछताछ की है, जिसके बाद अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। उस दौरान की तरह इनको अपनी हिरासत में लेकर यहाँ पर दुकान के अंदर लूटपाट की गई है। अभी हमारी वादी से बात हो रही है, वादी अभी तहरीर दे रहे हैं और आसपास हमारे जो सीसीटीवी कैमरे लगे उसके आधार पर वो व्यक्ति जो आए थे दुकान से, उनके द्वारा बलपूर्वक ये घटना की गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।